हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जा रही हूँ अपने मौसी के घर और वहाँ पे आज एक फंक्शन है, मुंडन का फंक्शन है बच्चे का। तो चलिए आपको भी ले चलती हूँ और दिखाती हूँ कि गांव में किस प्रकार मुंडन का फंक्शन किया जाता है। और रास्ते में ये नदी मिली थी, तो अब मैं आ गई हूँ मौसी के घर। और सबसे पहले आते ही चाय बनाना पड़ा मुझे, और यहाँ पे भाभी जी को रंग लगाया जा रहा था। और आप देख सकते हैं किस प्रकार ये लकड़ी से कितना प्यारा डिज़ाइन बना रही थी। और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि गांव में कोई भी फंक्शन होता है तो वहाँ पे जितनी भी महिलाएं होती हैं, वहाँ पे एक नाउन काकी होती हैं, वो सारी महिलाओं के पैर पे ये अच्छा सा डिज़ाइन बनाती हैं। इसको आलता लगाना भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डिज़ाइन बना रही हैं, वो भी लकड़ी से। और ये भाभी जी बैठी हुई यहाँ पे, यहाँ पर पीछे दरवाजे के पास जलेबी बनाई जा रही थी। और आप देख सकते हैं किस तरह एक परात था, उसके ऊपर रख के ये लोग जलेबी बना रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लूँ, आपको दिखाऊँ किस तरह ये लोग बनाते हैं। और बगल में ये रस्सी बनाई हुई थी, और कुछ जलेबियाँ रस्सी में डुबा के निकाली गई थी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे प्रेक्षा जो है आटे बना रही है, क्योंकि मुंडन है तो जो बाल बच्चों का निकाला जाता है वो इसी में रखा जाता है टिफिन। यहाँ पे प्रेक्षा और शिवानी लड्डू पैक कर रहे थे टिफिन में, क्योंकि जितने भी रिलेशन वाले आएंगे उनको ये लड्डू दिया जाएगा। ये लोग फटाफट पैक किए जा रही थे उसको। चलिए और आगे दिखाते हैं आपको तैयारियाँ। देखा चाची जी, नमस्ते, कैसी है? अरे बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक जग पानी भी ले अरे हम ही आओ लेवल ए भैया के लिए जब आज तो कमाल कर दिए हैं। देखिए अभी कितना रो रहा था ना। आराम से आराम से। अरे आराम से बाबू, बाबू हिलाओ नहीं, हिलाओ नहीं। उर्वी डैडी ने सर नहीं धोया था क्या? उर्विल बोलो चीज, उर्विल बोलो चीज, चीज मुझे आ रही है तेज से बुलावा। आवा हां नो दे आ रही है, देर नहीं लगा हुआ जी से। बहू ऐसे नीचे करो, हां फटाफट हो जाए। चलो भैया रो नहीं रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे कभी नहाए हो? कपड़े पे गिर रहा है, रुको रुको, अभी कुछ नहीं होगा। कपड़े पे गिर, उसके कपड़े पे गिर रहा है भाई, कपड़ा गीला हो रहा है। लट्टू दूर कर लो ना। आप बढ़िया बना है उर्वीर, उर्वीर उर्वीर स्माइल करो, इधर देखो। अभी रुक जाओ, इमाइल स्माइल बाद में करेगा। इमाइल बोल रहा है, स्माइल कितना अच्छा हो रहा है ना बाबू, मसाज हो रही है ना, हेड मसाज करवा आ रहा है। पैर अजीब सा रखा है। ूषित वाम भाग नारायण प्रियमतापहारायण महाबल श्री लक्ष्मी प्रतिपदना श्रीमा
चलिए आपको छत पे ले चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या नज़ारे दिखता है छत से, और आपको देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबके घर काफ़ी पास पास हैं और इनके गांव में बहुत ज़्यादा शांति रहती है, और सबके घर काफ़ी बड़े बड़े हैं, गांव हैं लेकिन शहर की तरह दिखता है। और घर के पास बहुत सारे पेड़ वगैरह यहाँ पे हैं जो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। चलिए थोड़ा सा और आगे आपको दिखाते हैं क्या क्या है। मंदिर भी है इनके घर के पास, और आपको दिखाते हैं पेड़ वगैरह काफ़ी हैं, और एक घर के सामने ही पीपल का वृक्ष है इनके। इसको कहते हैं अमरूद। हाँ कुछ बोलो आगे। आंवला है या अमरूद है, दोनों में डिफरेंस है। दोनों ग्रीन कलर के हैं लेकिन ये खट्टा है और ये मीठा, खट्टा दोनों हो सकता है। कोई पका हुआ नहीं दिख रहा है। बेल है, बेल अभी अभी से इतने बड़े हो गए हैं बेल। चलो पास से दिखा देते, अभी और बड़े होंगे शायद ना, इससे भी बड़े होंगे। वो हमारे साथ सपोर्टर, सारे ब्लॉगर है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, ढूंढ कर दिखाओ पहले, मुझे तो दिख गया, अब मैं खुद खाऊंगी। ये देखो, नहीं दिखा, और काफी लंबा है, और काफी लंबा है भैया। इनका बताओ ये कौन है? दादी है। किसकी दादी है? उर्मिल की। मेरी मनु की दादी है। आप कहाँ हो? मैं तो मनु की दादी हूँ।